साहब क्या आप मेरे भाई की लायकी का इल्ज़ाम अपने अली साहब क्या आप मेरे भाई की नालायकी का इल्ज़ाम अपने सर लेंगे? शहजादी के सामने खुद को अच्छा साबित करना चाहते हैं? मैं सौदागर हूँ जुनैद जी, चिड़िया को देख के पर, जूतों को देख के सर और जूतों को देख के घर। रेडी सर। मैं सौदागर हूँ जुनैद जी, चिड़िया को देख के पर, जूतों को देख के सर और इनको देख चिड़ियों को देख के पर। मैं सौदागर हूँ जुनैद जी, चिड़िया को देख के पर। चिड़िया को देख के पर, जूतों को देख के सर और ईंटों को देख के घर। गिर लेता मैं आपके और शहजादी के बीच में आया क्योंकि दोस्त को बचाना एक दोस्त का फर्ज नहीं। शहजादी मुझसे शहजादी को जब मैंने महसूल वाली बात कौन था लाइफ के सामने घूम रहा है और शहजादी को मैंने जब महसूल के बारे में पूरा यकीन था कि वो मुझसे एक्सेप्ट और बात वही तो हमें तकलीफ है ना प्यार की बात। अब अगर मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी जलता। बैठाएं सर। ओके एप्पल दे दो। एप्पल एप्पल रोने एक्सेप्ट। अगर आप चाहते हैं कि वो आप में दिलचस्पी ले तो मैं जो कहूंगा आपको वो करना होगा। क्या? जब आप उससे अगली बार मिलेंगे तो बिना देखे बिना रुके बिना उससे कोई बात किए निकल जाइए, फिर देखिए कमाल। कमाल? अरे कमाल नहीं होगा बवाल। लोग अपने पैरों को कुल्हाड़ी मारते हैं, आप कह रहे हैं कि मैं कुल्हाड़ी के ऊपर सो जाऊं? नहीं, ये मैं नहीं करूंगा। जुनैद, अली जैसा कह रहा है वैसा करो। लेकिन भाईजान तो दिल के मामले आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लैला यहाँ तो मजनू कहाँ? सौदागर हैं तो राइट कारोबार हो या इश्क, पहले ही पर तेज रफ्तार कर तो बहुत जल्द हल्की हो जाती है। आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं ना, इसीलिए मुझसे ये करवाया। अब देखिए सारा जी मुझसे लूट गए। भाई जान पूरा नाक का मलीदा छीन गया। आगे तिरछी सीढ़ी, मुझे नहीं चढ़नी है चेहरे तिरछी सीढ़ी। मैं जा रहा हूँ सारा जी के पास उनसे माफी मांगने। सारा जी आप इधर आइए, ये साइड थर्माकोल इधर। मैं क्या बोल रहा हूँ, उधर ही जा, उधर जाके छुप जा। ये हमें थोड़ा ज्यादा लेट
नहीं नहीं हमें मैं दिखाई दे रहे खड़े हुए एक्शन चुप जाओ वापस से देखो नहीं
देखिए वजीर आला, अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो मैं जो कहूँगा आपको करना पड़ेगा, नहीं तो मैं चलता। इंसान घड़ा बन जाता है, घड़ा इंसान। तो हाँ, एक और उसने दाव खेला है जिसमें वापस दोबारा ज़फ़र फंस रहा है, और पर ज़फ़र भी बहुत शातिर है, वो भी फूक फूक के कदम रख रहा है। लेकिन क्या है ना कि अली ने इतनी मर्तबा उसके सामने प्रूफ कर दिया है कि वो दिलों का शहज़ादा है और वो किंग है दिलों के मामले में। तो इस बार उस पर वो चीज़ को मद्देनज़र रख के, उस पर उस बात पर भरोसा करके उसकी बातें मान रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा, लेकिन किस इंसान के, शख्स के बारे में मतलब वो आपको मतलब सिखाने की कोशिश कर रहा है, या कौन है जिससे आपको एक्चुअली लगा हुआ है, जो आप जिससे आप उनका अटेंशन पाना चाहते शो में जी? अच्छा, शहजादी का दिल जीतना चाहता है वो, ज़फ़र दिल जीतना चाहता है, उनकी मंगनी तो हो चुकी है, पर उसका एक ही ये चीज़ है कि शहज़ादी उसे उस तरीके से देखती नहीं जैसे वो शहज़ादी को देखता है, और वो वाकई में शहज़ादी को पसंद करता है। तो जैसा शायद अली ने एक और एक चाल चल दी है बहुत ही खूबसूरती से, इश्क की मतलब पेट कर तो कोई भी मतलब फिसल जाए या शायद बेवकूफ़ बन जाए, तो क्या है ये नई चाल और क्या आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं अली? देखिए, इश्क ऐसी चीज़ है, अच्छे से अच्छा आदमी बेवकूफ़ बन जाता है, इंसान घड़ा बन जाता है, घड़ा इंसान। तो हाँ, एक और उसने दाव खेला है जिसमें वापस दोबारा ज़फ़र फंस रहा है, और पर ज़फ़र भी बहुत शातिर है, वो भी फूक फूक के कदम रख रहा है। लेकिन क्या है ना कि अली ने इतनी मर्तबा उसके सामने प्रूफ कर दिया है कि वो दिलों का शहज़ादा है और वो किंग है दिलों के मामले में। तो इस बार उस पर वो चीज़ को मद्देनज़र रख के, उस पर उस बात पर भरोसा करके उसकी बातें मान रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होगा। अच्छा, लेकिन किस इंसान के, शख्स के बारे में मतलब वो आपको मतलब सिखाने की कोशिश कर रहा है, या कौन है जिससे आपको एक्चुअली लगा हुआ है, जो आप जिससे आप उनका अटेंशन पाना चाहते? शो में जी? अच्छा। शहजादी का दिल जीतना चाहता है वो, ज़फ़र दिल जीतना चाहता है, उनकी मंगनी तो हो चुकी है, पर उसका एक ही ये चीज़ है कि शहज़ादी उसे उस तरीके से देखती नहीं जैसे वो शहज़ादी को देखता है, और वो वाकई में शहज़ादी को पसंद करता है, जबकि उम्र का काफ़ी फासला है दोनों में। पर बस तो वो यही जानने की कोशिश कर रहा है अली से कि कोई ऐसे तरीके बताओ कि शहज़ादी भी लट्टू हो जाए और उसे ज़फ़र को पसंद करें और उसे भी उतना चाहें। और हाल फिलहाल में कुछ ऐसे सीन्स हुए हैं जहाँ पर शहज़ादी एक मकसद की वजह से अली को एक बड़ी प्यार भरी नज़र से देखती है, तो ज़फ़र वो देख लेता है और उसको बड़ी उस बात से तकलीफ़ होती है कि यार आज तक मुझे उन्होंने ऐसा नहीं देखा जैसे तुम्हें देख रही थी और तुमसे बात कर रही थी, तो कुछ ऐसा मुझे तरीका बताओ कि वो मुझसे भी ऐसी बातें करें। अच्छा, लेकिन कुछ प्रीति की भी बात हाँ, देखिए थर्ड अंपायर जब आता है तो गड़बड़ होती है, क्योंकि तो जो प्रीति है वो थर्ड एलिमेंट है, और उसे अली कह रहा है ज़फ़र को कि उसको इस तरीके से इस्तेमाल करो कि जलन हो, तो जब जाहिर सी बात है ज़फ़र ज़्यादा तवज्जो प्रीति की तरफ देगा एज़ पर अली के बताए हुए रास्ते के हिसाब से, तो उसका बोलना है ज़फ़र को ऐसा है कि शहज़ादी को बुरा लगेगा, बट आई एम श्योर ये आगे चल के कुछ उल्टा ही घूमेगा और ज़फ़र को ही फंसाएगा किसी सिचुएशन में। इतने खौफनाक तरीके से उससे सब कुछ पहले सीजन में ले लिया था, तो अब वो प्यार से ले रहा है तो ज़फ़र को इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। पर हाँ, ज़फ़र की धीरे धीरे हार हो रही है, पर जैसे हमेशा ज़फ़र का ये एक पैंतरा रहा है कि वो गिरते हुए भी उसकी टांगें ऊँची होती हैं, तो वो कोई ना कोई दाव पेश तो उसने बचा के रखा ही होगा जो आगे चल के लोगों को और दर्शकों को पता चलेगा। थैंक यू। सारी जिन्हें साथ में होते तो कुछ ना कुछ जरूर खुराफाती पकड़ा होता है, तो इस सीन में क्या प्लानिंग चल रही है? अभी अली और अली की टोली हम लोग सब साथ में बैठे हुए हैं और कुछ प्लान कर रहे हैं, जो कि हम लोग शतरंज खेल रहे हैं, उसी शतरंज को खेलते खेलते हम एक प्लान कर रहे हैं जिससे कि हम ज़फ़र को फिर से फंसाएंगे। अभी तो महल छीना है, अभी तो उससे बहुत कुछ छीनना बाकी है। कुछ यास्मीन को लेकर शायद प्लानिंग हो रही है कि कैसे दूर ले जाए? वेल, अब हम टारगेट बना रहे हैं धीमे धीमे कि हमें अब किस पे वार करना होगा जिससे कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो, तो उसी के बारे में हम प्लान कर रहे हैं और कैसे उसे अचीव करना है उससे उसके बारे में सोच रहे हैं। ये सब कैसे करेंगे उसके लिए आपको शो देखना होगा हमारा। अच्छा, खेलते खेलते शायद आपको कुछ आइडिया भी आया जो आपने एंड में कहा कि ये बाजी तो शायद ये रानी कह सकते हैं कि आप? वेल, होता नहीं कि कभी कभार जो बड़ा हथियार होता है उससे ज़्यादा ताकतवर छोटा हथियार होता है,
तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हम इस हथियार से नहीं, इस हथियार से इस पे वार करेंगे, या इस प्यादे को या घोड़े को हम अपना शिकार बनाएंगे जिससे कि जफर फंस जाएगा। तो वो सारी बातें कर रहे हैं, इंटेलिजेंट टॉक्स जो होते हैं वो सब चल रहा है, और प्लान करके हम जफर को फंसाएंगे। थैंक यू। कहाँ जहाँ सोने का कंफ्यूजन है वहीं आप पे इल्ज़ाम भी लग रहे चोरी करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे, क्यों हो रहा है ये सब, इतना सारा कंफ्यूजन एक ही साथ? एक्चुअली इतना कंफ्यूजन हो रहा है एक साथ कि मैं एक्चुअली जेन्युइनली एज अम्मी कैरेक्टर ऑल्सो कन्फ्यूज्ड हूँ कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक तरफ एक लड़का है जो कह रहा है कि मैं चोर हूँ, और दूसरी तरफ एक लड़का है जो कह रहा है कि नहीं ये चोर नहीं है, एंड मुझे दोनों ही लड़के पसंद नहीं है, तो आई डोंट नो कौन मुझे फंसा रहा है और कौन मुझे बचा रहा है, सो आई एम एक्चुअली वेरी कन्फ्यूज्ड। एंड इससे पहले रियलाइज करें कि इल्ज़ाम कब लगा, किसने लगाया, किस लिए लगाया, मैंने क्या किया, मैं चोर कैसे हूँ, मुझे चोर क्यों बोल रहा है, कौन क्यों मचा रहा है, उससे पहले हमने सब क्लियर कर दिया, हमने अली भाई जान ने हम सब जिनों ने सब कुछ झोल झपाटा करके इनको बचा लिया संभव, और मुझे पता भी नहीं चला कब क्या हुआ। बचाया क्यों अम्मी को, हमने देखा भी अलादीन काफी लाइक इमोशनल भी हो जा रहे हैं अपनी अम्मी को लिए लेकर, तो अलादीन तो अम्मी को तो हमेशा ही बचाएगा, इट इज जस्ट दैट अम्मी को पता नहीं चलना चाहिए कि एग्जैक्टली पता चलेगा तो पूरा गेम प्लान तो एकदम चौपट हो जाएगा, बट ही डजंट हैव टू शो इट, कि वो अली बनकर ही अम्मी की जैसे शील्ड है अभी भी है, ओनली दैट आई डोंट नो इट नाउ, द डिफरेंस इज ओनली दैट। आपसे जानना चाहेंगे मोहरे का राज क्या है, इतना कंफ्यूजन हो रहा, लेन इधर इधर देना उधर देना, ये राज क्या है इसके पीछे? मैं राज बताना नहीं चाहूंगी, एग्जैक्टली हम चाहते हैं कि लोग देखें वो राज, और देन बाद में रिएक्शन हम देखें लोगों के क्या है, क्योंकि हम ये तो नहीं बताएंगे, बाकी सब हमने बता दिया। ओके सर, इतना फैन से इतना प्यार मिल रहा है, काफी अच्छा, लोग पसंद भी कर रहे हैं, बहुत प्यार से वॉच करते हैं अलादीन शो, क्या कहना चाहेंगे उनको, कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आगे आगे आने वाले, कितना फन दिखने वाला है उनको आगे, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े होके भी काफी मजे लेते हैं, हम सीन में मजे लेते हैं, आप तो खड़े होके मजे लेते हैं, हम रीडिंग में मजे लेते हैं, बट देन थैंकफुली काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है हर एज ग्रुप से, हर कैटेगरी से, हर जगह से, पता नहीं कहाँ कहाँ से डीएम वगैरह आते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पता नहीं कहाँ कहाँ से, आउट ऑफ इंडिया, साउथ अफ्रीका, सो इट्स एक्चुअली सरप्राइजिंगली इट्स गोइंग वेरी वेल, इट्स एन ऑसम शो, ट्विस्ट एंड टर्न्स तो मेजरली फनी और इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, ऑब्वियसली समथिंग आई थिंक सबकी यही कोशिश रहती है कि नेक्स्ट और भी ज़्यादा इंटरटेनिंग हो, नेक्स्ट और भी ज़्यादा इंटरटेनिंग हो, राइटर्स, डायरेक्टर, एक्टर्स, सबकी यही कोशिश रहती है कि हम और इस शो को कैसे बेटर करते रहे, तो ऑफकोर्स जो भी ट्विस्ट एंड टर्न आगे भी आएंगे दे विल कीप यू इंट्रीग्ड टू द शो, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट, बिकॉज अभी लेटली जब से ये पूरा अली का परिवर्तन हुआ है तब से ह्यूमर भी बहुत अच्छा आ गया है शो में, एंड आई लव वॉचिंग इट माई सेल्फ, माई चिल्ड्रन लव वॉचिंग इट, तो आई थिंक दैट्स वन वेरी बिग थिंग कि यू नो अगर मैं अपना किया हुआ काम खुद भी देख रही हूँ, दैट मीन्स इट्स रियली फन, तो थैंक यू सो मच फॉर लविंग एंड गिविंग अस सो मच लव एंड गिविंग अस सो मच व्यूअरशिप, एंड जस्ट फ्रॉम द होल कास्ट, द होल क्रू, अलादीन नाम तो सुना होगा कि क्रू से, वी ऑल लव यू ऑल अ लॉट, कीप वॉचिंग अलादीन, प्लीज कीप वॉचिंग अलादीन एंड प्लीज गिविंग अस ऑल दिस लव दैट यू हैव बीन गिविंग अस, बाय, थैंक यू। ओके आज सीन में हमने देखा काफी हंगामा हो रहा है, द्रौपदी माफी मांग रहा है, गिर गिरा रहा है, पैरों पर पड़ गया, क्या हो क्या? हाय गाइस, मैं हूँ आपका अपना राष्ट्रीय टेंडन, और आई एम प्लेइंग जिन इन अलादीन नाम तो सुना होगा। तो जैसा कि अभी आपने इस सीन में देखा कि बहुत हंगामा चल रहा है और जफर गुलबदन को डांट रहा है, फटकार रहा है, मार रहा है, तो हुआ यूं है कि अली ने उसको एक झांसा दिया, यानी कि जफर को, कि सोना। जैसे हमने सीन के बारे में आपसे पूछा, काफ़ी माफ़ी मांगा जा रहा है, गिड़गिड़ाया जा रहा है और पैरों पर गिर गया गुलबदन, तो क्या हो रहा है? हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना राष्ट्रीय टंडन, और आप मुझे देखते हैं अलादीन नाम तो सुना होगा में एज ए जिन। सो जैसा कि अभी आपने सीन में देखा कि जफर गुलबदन को गले से दबोच के उसको ऑलमोस्ट फेंकने की नौबत में है, बहुत गुस्सा रहा है जफर गुलबदन से। सो हुआ यूँ है कि अली ने, यानी कि अलादीन ने एक झांसा दिया और जफर को फंसा लिया है ये कह के कि मैं आपको 100 हाथ गाड़ियाँ सोने से भरी हुई आपको दूंगा, और उसके एवज में ये महल रखवा लिया है गिरवी। सोना वोना तो कुछ हुआ नहीं, वो तो एक सिर्फ एक छलावा था, एक धोखा था, और उस धोखे के एवज में उसने महल भी गिरवी रखवा लिया, सोना भी नहीं दिया। अब ये काम करने गए थे हमारे फेमस गुलबदन साहब अकेले, तो इनका ऐसा थॉट प्रोसेस था कि मैं गुलबदन हूँ, मैं अपनी यू नो दिखा सकता हूँ
اپنی میں کتنا قابلیت ہے میری, کتنی میں مہان ہوں. تو یہ سب کرتے کراتے یہ گئے گلبدن صاحب اپنی قابلیت دکھانے کے لیے اکیلے. اکیلے جانے کے بعد ہوا کچھ نہیں, وہاں کچھ ایک طوفان سا آیا اور سارا سونا آنکھوں کے سامنے سے غائب, اور اس کے بعد یہ لڑائی دنگا اور یہ جو چل رہا ہے وہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں. تو ظفر کا کس پر مطلب شک ہے یار, وہ کس پر الزام لگا رہا ہے؟ سوری یار کٹ. تو گلبدن تو معافی مانگ گئے, لیکن ظفر کا شک کیا گلبدن پہ ہے یا وہ کسی اور پہ شک کر رہا ہے؟ سو ان دا سین اونلی یہ جن کو یہ جو جنی ہے اس کو دماغ میں بات آتی ہے کہ ہاں بات یہ کہیں نہ کہیں صحیح کہہ رہا ہے, اگر اس نے چرایا ہوتا تو یہ یہاں نہیں آتا اور اپنی بے گناہی کا ثبوت لے کے اور اپنے اس پورے واقعہ کو بتانے کے لیے آتا نہیں. کم عقل ہے لیکن اتنا بھی کم عقل نہیں ہے. تو وہ یہ چیز کہتا ہے کہ اس پورے محل بھر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف ایک علی ہے جس پہ مجھے شک ہے ہمیشہ سے, اور وہی ایک بندہ ہے جس پہ مجھے یقین آج تک نہیں ہو پایا ہے. ہو نہ ہو اس سازش میں علی کا ہاتھ ہے. تو یہ جو فیڈ بیک دیتا ہے وہ جن ظفر کو دیتا ہے, اور ظفر اس سے فردر آگے سوچنے لگتا ہے کہ ہاں بات تو یہ کہیں نہ کہیں صحیح ہے. علی کا جو کردار ہے اسٹریٹ اسمارٹ ہے, اپنے حساب سے جو من آتا ہے بول دیتا ہے, لیکن ہنسی مذاق میں بولتا ہے. تو آپ اس کو سیریسلی لے لیجئے نہیں لیجئے, دیٹ از کمپلیٹلی اپ ٹو یو. سو جو علی کا کردار ہے وہ اپنے کردار میں رہتے ہوئے ہنسی مذاق میں بہت قیمتی باتیں, بہت ہی مطلب کی باتیں بول کے نکل جاتا ہے اور ہنسی ہنسی میں بات ختم ہو جاتی ہے. تو کہتا وہ مطلب کی بات ہے, لیکن چونکہ وہ ہنسی میں ہے تو آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا کہ وہ اس نے بات کیا کہی ہے اور کس بات کو اس پہ یقین کیا جائے. سو دیٹس اٹ. آپ یوں ہی ہمارا شو دیکھتے رہیے, اور اس سین کو اور اس کے آنے والے جتنے بھی ہمارے دلچسپ سینس ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہمارا شو دیکھتے رہیے. الادین نام تو سنا ہوگا منڈے سے فرائیڈے رات 9 بجے اونلی آن سب. راشل ٹنڈن سائننگ آف. بائے. سو اب علی جیسے کہ علی ریونج لے رہا ہے اور ہر چال وہ بہت ہی سوچ سمجھ کے چل رہا ہے. جیسے کہ علادین کو ظفر نے دماغ سے ہرایا تھا, اب علی بھی ظفر کو دماغ سے ہرا رہا ہے اس کے ہی جال میں پھنسا کے. تو ابھی کیا ہوا ہے کہ یاسمین نے علی کو مطلب بول دیا کہ آپ جاؤ, آپ کو کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ. تو انہوں نے کیا کیا, بغداد سے علی کو بولا کہ آپ جاؤ, آپ کا کوئی کام نہیں ہے. بٹ علی کا مین موٹیو تو بغداد میں رہ کر ہی سب کچھ ٹھیک کرنا ہے. تو وہ ابھی یہاں پہ گیم پلان کر رہا ہے کہ ظفر کیسے بھی کر کے وہ خود اسے لینے آئے. تو یہاں کیو میں آ کے اسے لالچ دے رہا ہے. جو چھوٹے جنی ہیں وہ کوئی پلان کو شاید کہیں نہ کہیں وہ اگل دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ باتوں کو, لیکن اس کو ان کو بھی سنبھال رہے ہیں آپ لوگ, تو کس طرح کا کیا پلان؟ نہیں بیسکلی جو چھوٹا جن ہے